हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी केयर में। और आज आपको इस वीडियो में तीन क्वेश्चन देगा इस पता चलेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, विद्युत विभव क्या है, और दूसरा क्वेश्चन है उच्च विभव और निम्न विभव क्या है, और तीसरा नंबर है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, विभवांतर क्या है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन, किसी चालक की विद्युत विभव वह विद्युतीय अवस्था या गुण है जिससे यह निर्धारित किया जाता है कि उसे किसी अन्य चालक से जोड़ने पर विद्युत प्रवाह की दिशा क्या होगी। तो इसके हिसाब से अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, मेटल का कोई भी मेटल, तो पहला जो इलेक्ट्रोड है उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है और दूसरा जो इलेक्ट्रोड है उसमें बहुत कम इलेक्ट्रॉन है। तो डेफिनेशन के हिसाब से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक एनर्जी है, और ये एनर्जी किसका है, तो इलेक्ट्रॉनों का। और ये एनर्जी किस लिए उत्पन्न हुआ, क्योंकि जो पहले वाले इलेक्ट्रोड है उसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है जिसके कारण प्रेशर है, और इसीलिए ये एनर्जी उत्पन्न हुआ। तो अब ये जो है डेफिनेशन के हिसाब से, तो अब ये दिशा क्या होगा इसका, उसमें कहा था कि दिशा होगा उसको लगाने से, तो हमारा दिशा क्या हुआ, दूसरे वाले इलेक्ट्रोड की तरफ, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर बहुत कम है, एकदम कम है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, थोड़ा बहुत है, और प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन जो है पहले नंबर इलेक्ट्रोड से दूसरे नंबर इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। तो ये हमारे डेफिनेशन के हिसाब से पूरा सेट है कि अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लगाए तो जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका दिशा बता दिया कहाँ ये इलेक्ट्रॉन्स जाएगा, तो दूसरे नंबर इलेक्ट्रोड की तरफ ये जाएगा। और आप जो है पोटेंशियल को पोटेंशिया भी कह सकते हैं। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि हाई पोटेंशिया और लो पोटेंशिया क्या है। तो मान लीजिए दो इलेक्ट्रोड है, तो उसी तरह पहले वाले इलेक्ट्रोड में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है और जो दूसरे वाला इलेक्ट्रोड है उसमें बहुत कम इलेक्ट्रॉन है। तो आप ज़रूर सोचे होंगे कि तो उच्च विभव ये पहला नंबर सोचे होंगे, और जो दूसरा निम्न विभव है वो दूसरे वाले इलेक्ट्रोड को सोचे होंगे। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनका नामकरण जो है उनके इलेक्ट्रॉन्स पर निर्भर करता है, मतलब जिसमें जितना इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना निर्भर करेगा उनके नाम पर। तो निम्न विभव किसको बोलेंगे, पहले नंबर को, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स को आप तो जानते हो कि वो नेगेटिव है, इसीलिए उसे निम्न विभव कहते हैं। और उच्च विभव क्या है, जहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वहाँ पर पॉजिटिव की संख्या, पॉजिटिव जो प्रोटॉन्स है उनकी संख्या बहुत है, और इसीलिए उसे हम उच्च विभव कहेंगे। और जो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होगी उसे हम निम्न विभव कहेंगे। तो अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, विभवांतर क्या है। तो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन देखते हैं, तो यहाँ पर एक बिंदु और अनंत क्यों कहा जा रहा है, एक एग्जांपल देना होगा मुझे। तो मान लीजिए एक कॉपर वायर है, तो कॉपर वायर में हम लोग पहले वाले बिंदु से इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाते हैं, ठीक है। तो पहले वाले बिंदु से इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाने पर वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस दिशा में जाएगा, तो इसको जानने के लिए मैंने आपको बताया था पहले कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो एनर्जी है वो क्रिएट होती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा प्रेशर होता है इलेक्ट्रॉनों का, वो एक दूसरे को पुश करते हैं जिसके कारण एनर्जी क्रिएट होती है और वो फ्लो होने लगते हैं। तो जो पहला वाला बिंदु है कॉपर वायर का, तो वहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगी। तो फ्लो किस दिशा में होगा, दूसरे बिंदु की ओर, क्योंकि वहाँ पर जो पोटेंशियल है वो बहुत कम है,
और क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत कम है और प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा और जो कॉपर वायर है उसके थ्रू एक सेकेंड में एक कूलम्ब चार्ज, या इलेक्ट्रॉन भी आप कह सकते हैं, तो एक सेकेंड में जितनी दूर जाएगा एक कूलम्ब चार्ज लेकर जाता है कॉपर वायर में, तो जिस एक सेकंड में जितना दूर जाएगा वहीं तक एक जूल कार्य कहलाएगा। तो सभी तार का तो रेजिस्टेंस एक जैसा नहीं होता है, कॉपर का थोड़ा ज़्यादा है और जो है हमारा चांदी का तार है उसका बहुत कम होता है रेजिस्टेंस। तो वो अगर चांदी के तार में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करवाते हैं तो उसमें बहुत दूर तक जाएगा, तो चांदी के तार में वहाँ तक एक जूल कहलाएगा कार्य। तो कॉपर वायर में बहुत थोड़ा ज़्यादा होता है रेजिस्टेंस, तो ये थोड़ा कम दूर जाएगा एक सेकंड में, तो वहाँ तक एक जूल कार्य कहलाएगा। तो अब यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन है वो हम करते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्यों कह रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्यों कह रहा है, क्योंकि जो कॉपर वायर है उसके जो दोनों बिंदु है, तो ये पहला जो बिंदु वहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बहुत सारा है, और जो दूसरा बिंदु है वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वो बहुत कम है। तो ये जो एनर्जी है इसी को मापने के लिए ये पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, इसका जो फॉर्मूला है थ्योरी है ये सब दिया गया है। तो अगर आप मापते हैं इसको तो इसके बीच का अंतर क्या होगा, मतलब उसका मिडिल पॉइंट, पहले वाले में बहुत ज़्यादा है और दूसरे वाले में बहुत कम है, तो उसका मिडिल पॉइंट ये निकालेंगे और जिससे हमें पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस दिशा में फ्लो होगा। अगर मान लेते हैं कि दूसरे बिंदु में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो पहला वाला बिंदु है बहुत कम इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर, तो कहाँ फ्लो होगा ये इस थ्योरी से हम माप सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो हमारे घर के इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसमें क्यों यूज़ होता है इसका। तो और जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको हम लोग वोल्टेज भी कह सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज जो है उसको इसका मापने की इकाई है वोल्ट, वोल्टेज भी हम लोग उसे कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को।